हेलो गाइज, मेरा नाम है जीशान और आप देख रहे हैं टेक्निकल आर्ट्स यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वृद्धा पेंशन योजना के बारे में। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 60 वर्ष से 79 वर्ष के सभी नागरिकों को सरकार द्वारा हर महीने 500 रुपये से 1000 रुपये की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर जाना होगा। मोबाइल स्क्रीन पर जाके आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना। दोस्तों, मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको टाइप करना होगा वृद्धा पेंशन योजना। दोस्तों, जैसे ही टाइप करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। दोस्तों, जो सबसे पहले ऑप्शन दिखेगा उस पर आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों, जैसे ही क्लिक करेंगे आपको डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेना है। दोस्तों, जैसे ही ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। दोस्तों, आपको ओल्ड पेंशन योजना पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन, लॉगिन और आवेदन की स्थिति आप चेक भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ऑनलाइन करना है तो आपको ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। दोस्तों, आपको न्यू एंट्री फॉर्म पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। दोस्तों, आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। दोस्तों, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको किस सिटी से आपको चॉइस कर लेना है, उसके बाद किस तहसील से आपको वो सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद किसके नाम पर यह फॉर्म सबमिट करना है उसका नाम, उसके बाद आपके उसके पति या पिता का नाम डालना होगा, उसके बाद मकान नंबर डालना होगा। दोस्तों, उसके बाद आपको लोकेलिटी डालना होगा और उसका सारा एड्रेस डालना होगा। दोस्तों, आपको ग्रामीण हो या नागरिक उसको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको मेल हो या फीमेल उस पर आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों, उसके बाद आपको गली नंबर, पिन कोड, उसके बाद आपको एक पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो अपलोड करना होगा। दोस्तों, आपको किस कैटेगरी के हो वो आपको कैटेगरी चुन लेना, OBC, SC, ST। दोस्तों, उसके बाद उप श्रेणी। दोस्तों, उसके बाद जन्म तिथि डालना होगा। उसके बाद आपको एज डालना होगा। दोस्तों, उसका जन्म तिथि, आयु प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको पहचान पत्र या राशन कार्ड आपको अपलोड करना होगा। पहचान पत्र की फ़ोटो कापी आपको अपलोड करनी होगी। उसके बाद आपको एक मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद पहचान पत्र का नंबर डालना होगा। दोस्तों, उसके बाद आपको बैंक नाम डालना होगा। उसके बाद आपको खाता संख्या डालना होगा। उसके बाद आपको पासबुक की फ़ोटो अपलोड करनी होगी और बैंक शाखा नाम डालना होगा। उसके बाद आपको परिवार के कुल वर्ष आयु डालना होगा। उसके बाद तहसील द्वारा प्रमाण पत्र क्रम डालना होगा। उसके बाद सक्षम अधिकारी निर्गत आप प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। BPL सूची राशन कार्ड भी आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको कैप्चर कोड को डाल के सेव पे क्लिक करना होगा। दोस्तों, जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको दोस्तों बैक चले आना। उसकी स्थिति जानने के लिए आपको चौथे नंबर पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आवेदन की स्थिति पे क्लिक करना होगा। दोस्तों, जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक पासवर्ड बनाना, पंजीकरण करना होगा। दोस्तों, आपको नंबर स्टेप पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, आपको किस स्कीम है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर और बैंक अकाउंट नंबर डाल के आपको पासवर्ड एक क्रिएट कर लेना। दोस्तों, इसी तरह से आप इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, जो फॉर्म आपने सबमिट किया है इसके जरिए बड़ी आसानी से उसकी स्थिति देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद इस योजना का लाभ बड़ी आसानी से उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।